हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा कुलकर्णी एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन दैट टाइप्स ऑफ सेट। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ओके, सो द नंबर फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, लेट ए बी एनी सेट। ओके, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। दी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय, इज डिनोटेड बाय लाइक दिस, ए प्राइम और ए रेस टू सी मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है मैम? निगेशन हम बोल सकते हैं। एंड इज डिफाइंड एज, is defined as, देखो a complement is equal to collection of x such that x is in universal set but x is not in A, that is set of all elements in U but which are not in A। A हमने सेट किया, उसका निकालना है हमें कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का सिंबल एक तो ये और ये, आप कोई भी आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो यूज कर सकते हो। लेकिन एक्चुअली ये क्या है? A कॉम्प्लीमेंट इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन U, U मींस यूनिवर्सल सेट, बट व्हिच आर नॉट इन A। कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें A से। ओके, तो वो तो निगेशन रहा ए का, तो ए सेट के एलिमेंट छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स बाकी है तो वो होगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। देखो यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स है वो, लेकिन वो एलिमेंट्स हमें ए के नहीं चाहिए, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फॉर एग्जाम्पल डायग्रामेटिकली जब हम बोल दे तो देखो ये रहा हमारा यूनिवर्सल सेट, सपोज ये है हमारा सेट ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए छोड़ के, तो ए छोड़ के ये बाकी का पोर्शन रहा, ये है ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये कहाँ इंक्लूड है? यूनिवर्सल से। ठीक है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग पता चला। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए से छोड़ के बाकी एलिमेंट जो है कहाँ? यूनिवर्सल से, तो वो होगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10, तो ये रहा ए 1 2 3। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स उसमें 1 2 3 नहीं होगा तो कौन आएगा? 4 5 6 अप टू 10। ओके, यहाँ नोट बता देती हूँ आपको। नोट नंबर फर्स्ट, ए कॉम्प्लीमेंट का अगर हम फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लें तो हमें ओरिजिनल मिलेगा। ओके, ये रहा ए कॉम्प्लीमेंट, कौन है इसमें? 4 5 6 अप टू 10 तक। इसका हमें फिर से कॉम्प्लीमेंट लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट मींस ये एलिमेंट छोड़ के यूनिवर्सल सेट में कौन बचा है? 1 2 3। 1 2 3 मींस ये फिर से कौन है? ए। तो इसका मतलब अगर हम कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो हमें ओरिजिनल सेट मिलता है। ठीक है, सेकेंड नोट, यूनिवर्सल सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले लें तो हमें एम्प्टी सेट मिलेगा। देखो ना, यूनिवर्सल सब एलिमेंट्स है उसमें, सबसे बड़ा होता है, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते तो हमें एम्प्टी सेट मिलेगा। एंड थर्ड वन, अगर हम एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लें, एम्प्टी मीन्स उसमें कुछ भी नहीं है, जिसमें कुछ भी नहीं है उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमें ऐसा सेट मिलेगा जिसमें सब है, तो वो रहा यूनिवर्सल। ओके, सेकेंड ऑपरेशन इज यूनियन ऑफ सेट्स। क्या लेना है हमें सेट्स का? यूनियन मीन्स द यूनियन ऑफ टू सेट्स से ए एंड बी। यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर इन ए
दो सेट्स दिए हमने ए एंड बी, तो उसका हमें लेना है यूनियन। तो क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच आर इन ए और इन बी, ये जो और है इसका मीनिंग हमें ऑप्शनली नहीं लेना है। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं दिस और दिस और, ओके, तो वो हमें नहीं लेना है। हमें यहाँ और का मीनिंग इंक्रीज लेना है, मीन्स कंबाइन हम उसे बोल सकते हैं। ए एंड बी के एलिमेंट जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। यूनियन मीन्स आपको याद भी रखना है एलिमेंट्स कंबाइन करने हैं। देखो इसका नोटेशन होता है, नोटेशन ए यूनियन बी, ओके, एंड इन सेट फॉर्म और बाय यूजिंग सेट बिल्डर मेथड दिस कैन बी रिटन एज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। आपको फिर से बता रही हूँ यहाँ मीनिंग इंक्लूसिव लेना है, ऑप्शनल नहीं, दिस और दिस वाला और नहीं, कंबाइन मीनिंग लेना है। इसका मीनिंग आपको क्या कंसिडर करना है, यहाँ कंबाइन मीन्स ए एंड बी से थ्री एलिमेंट्स हमें कंबाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू सेट कंटेन टू एलिमेंट्स एंड बी इज इक्वल टू फोर फाइव टेन, तो ए यूनियन बी हमें क्या मिलेगा, वन टू फोर फाइव एंड टेन। ठीक है, डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। देखो ये रहा हमारा यूनिवर्सल सेट, अगे यूनिवर्सल सेट, ये रहा सेट ए, ये रहा सेट बी। ठीक है, तो ये तो डिसजॉइंट है, सेपरेट से ना, ये तो डिसजॉइंट से, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये रहा ए ये रहा बी, तो ये जो शेडेड पोर्शन मैंने आपको बताया है ये है ए यूनियन बी। इसका एग्जांपल दे दूंगा, देखो वन टू एंड यहाँ फोर फाइव सिक्स, दो सेट्स अलग है लेकिन उसे हमने कंबाइन किया तो हमें कौन मिला, ए मिला। और यहाँ देखो ये सेट ए, ठीक है, एंड ये सेट बी, दोनों में क्या है, इंटरसेक्शन है, तो इस टाइम पे ए यूनियन बी कौन सा होगा मैम, ये टोटल पोर्शन आ जाए, ये होगा हमारा ए यूनियन। वी गेट दिस, इफ ए एंड बी आर डिस्जॉइंट एंड इफ ए एंड बी आर इंटरसेक्टेड देन वी गेट ए यूनियन बी लाइक दिस। सम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम यूनियन की। प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। आप यहाँ देख सकते हो, देखो ये हमें कौन मिला, ए यूनियन। अगर हम बी यूनियन ए निकाले तो भी हमें क्या मिलेगा, वन टू फोर फाइव, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, एलिमेंट सीरियली हो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो ए यूनियन बी एंड बी यूनियन दोनों सेम मिलेंगे, सो दैट्स व्हाई ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन एंड दिस आइडेंटिटी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ। ओके, सेकेंड वन, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये जो दो है बी एंड सी, ये दोनों ने ग्रुप फॉर्म किया है और ये ए को अकेला ले दिया है, ग्रुप में से निकाल दिया है उसे, ओके, और यहाँ उल्टा हो चुका है, ये दोनों ने गलती कर ली, ए एंड बी दोनों फ्रेंड्स हो चुके हैं और सी को अलग रख दिया। सो दिस लॉ इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, देन नेक्स्ट वन, एक बात और आपको याद रखनी है, जब आप यूनियन ले रहे हैं मीन्स कंबाइन कर रहे हैं हम एलिमेंट्स, जो सेट बड़ा होता है यूनियन में वही आता है। फॉर एग्जांपल देखो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है लेकिन कैसा, प्रॉपर, तो इसका मतलब अगर हम ए यूनियन बी निकालें, यह बड़ा सेट कौन सा होगा, बी, तो ए यूनियन बी हमें मिलेगा बी। ठीक है, देन नेक्स्ट वन, अगर हम ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों का यूनियन ले तो हमें कौन मिलेगा, यूनिवर्सल सेट यू। यहाँ मैंने आपको बताया था ना, दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट, दिस इज ए, अगर ये ए है तो ये बचा हुआ पोर्शन कौन है, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट का अगर हम यूनियन ले तो हमें कौन मिलेगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, देन नेक्स्ट, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट है, सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट कैसा होता है, बड़ा, तो बड़ा सेट आएगा यूनियन में, आपको पहले बता दिया।
सो ए यूनियन यू इज इक्वल टू हमें मिला है यू, ठीक है, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट इज ए यूनियन ए इज इक्वल, ए का फिर से ए से यूनियन लेना है, दोनों के एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो फिर से हमें कौन मिलेगा, ए ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट ए यूनियन फाइव, मुझे बताओ फाइव तो एम्प्टी सेट है, ए में कुछ तो होगा, तो इसमें बड़ा सेट कौन सा है, ए, तो यूनियन में तो बड़ा सेट आता है, तो हमें फिर से ए, ठीक है। एंड लास्ट वन इज ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ, एंड बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। फॉर एग्जाम्पल देखो ए वन टू है एंड ए में भी वन टू फोर फाइव टेन, देखो ए प्रॉपर सबसेट ए या नहीं, वन टू इंक्लूडेड इन ए में, बट देर एग्जिस्ट थ्री एलिमेंट इन बी विच आर नॉट इन ए, मीन्स ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए में बी, एंड सिमिलरली बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, हमने यहाँ दो सेट्स लिए, इंटरसेक्शन हम ज्यादा सेट्स का भी ले सकते हैं, ठीक है। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स which are in both A and B, यूनियन हो दो सेट्स में, तो हम दो सेट्स के एलिमेंट्स कंबाइन कर लेते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट A एंड B इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स which आर इन बोथ A एंड B, मीन्स A एंड B के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, मैं कॉमन वर्ड यूज कर रही हूँ, वो हमें लेने हैं इंटरसेक्शन में। इट्स नोटेशन इज लाइक दिस, ये रहा ए इंटरसेक्शन, ओके, और यहाँ आपको याद रखने के लिए लिख रही हूँ, हम यहाँ लेंगे कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, सो ए इंटरसेक्शन बी इज डिफाइंड एज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू, डायग्रामेटिकली अगर हम दिखा दें तो देखो दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, तो ये रहा दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, देख लो आवर ए इंटरसेक्शन बी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू वन टू एंड बी इज इक्वल टू टू फाइव, तो यहाँ टू है यहाँ भी टू है, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या मिलेगा, ठीक है, तो इंटरसेक्शन मीन्स हमें लेने हैं कॉमन एलिमेंट्स। नाउ सम प्रॉपर्टीज, नंबर फर्स्ट जो यूनियन के लिए था वही इंटरसेक्शन के लिए, ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, देखो यहाँ आपने ए इंटरसेक्शन बी निकाला है, हम बी इंटरसेक्शन ए निकाल लेते हैं, देखो दोनों में कॉमन क्या है, फिर से तो ये दोनों कैसे हो इक्वल, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, इसे भी क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव आइडेंटिटी। सेकेंड A intersection B intersection C, three sets consider किए, which is equal to A intersection B intersection C, group form, B and C ने group form किया है, इसको अकेले रख दिया, ठीक है, उसके बाद B का मन भर गया C से, तो A and B ने group form कर लिया, C को अकेला छोड़ दिया, ठीक है, and this law is called associative law, okay, then next, A intersection A विच इज इक्वल क्या होगा, ए, अगर ए का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर से ए ही हमें मिलेगा, देखो ये रहा ए, ए का अगेन ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है तो फिर से हमें कौन मिलेगा, ए ही मिलेगा, ठीक है। जैसा मैंने आपको यूनियन में बताया था, जो बड़ा होता है वो यूनियन में होता है, इंटरसेक्शन में उससे उल्टा है, जो छोटा होता है वो इंटरसेक्शन में होता है। फॉर एग्जाम्पल ना फाइव इंटरसेक्शन ए विच इज इक्वल फाइव, इसमें तो कुछ नहीं है तो ये छोटा है, ए ऑब्वियसली बड़ा हुआ, इंटरसेक्शन में कौन आता है छोटा, ठीक है। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, आप ये भी बता सकते हो ए एक सेट है
उसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स ऐसा सेट होता है जिसमें ए के एलिमेंट नहीं है. सो दिस मीन्स ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 5 होगा. ठीक है, देन नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन यू, वेयर यू इज अ यूनिवर्सल सेट. छोटा सेट कौन है? हमें कौन मिलेगा? ए. नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ. आप यहाँ देख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी छोटा है और ये रहा टोटल ए. तो ए इंटरसेक्शन बी ए का क्या होगा? प्रॉपर सबसेट. क्यों? क्योंकि ए में ऐसा एक एलिमेंट होगा, कम से कम एक एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है. सो दैट्स व्हाई प्रॉपर सबसेट. बी के लिए भी सेम है. ये जो इंटरसेक्शन का पार्ट है कॉमन जो हमने लिया है ये छोटा है और बी हमारा बड़ा है. इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी ये बी सेट का क्या है? प्रॉपर सबसेट है. ठीक है, देन इफ देखो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. इसका मतलब ए सेट इसमें इंक्लूडेड. ए छोटा है, बी बड़ा है. तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? जो सेट छोटा होता है. सो विच इज इक्वल टू ए. एंड लास्ट वन देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. दोनों मैंने कंबाइन किए. देखो यूनियन भी लिया है, इंटरसेक्शन भी. जैसे हम अलजेब्रा में करते हैं, देखो सपोज बाहर एक से और अंदर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव है, तो एक से हम अंदर क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. सेम यहाँ करना है. देखो ए ए हमारा सिंबल क्या है? यूनियन. इसे मल्टीप्लाई करना है बी से. ठीक है, मिडल साइन क्या है? इंटरसेक्शन. फिर से हमें मल्टीप्लाई करना है ए से. मल्टीप्लाई का सिंबल ये मान लो. और किसे मल्टीप्लाई करना है? सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कैन बी रिटन एज ए यूनियन बी. देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेम आप लिख सकते हो. ये फर्स्ट और ये सेकंड. ए यहाँ क्या है? यूनियन. यहाँ हम इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं. बी यहाँ क्या है? इंटरसेक्शन. तो यहाँ यूनियन ले. विच इज इक्वल क्या लिखेंगे हम? ए इंटरसेक्शन बी. ओके, मिडल सिंबल इज यूनियन. ए इंटरसेक्शन दिस इज आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव. ओके, सो द नेक्स्ट ऑपरेशन इज डिफरेंस ऑफ सेट्स. Difference of sets. Okay. The difference of two sets. Of two sets A and B is the set of all elements. Set of all elements which are in A but not in B. Difference हम दो तरीके से ले सकते हैं, A minus B and second is B minus A. हम first ये देखते हैं. ठीक है, हमारे पास दो sets है A and B और हमें लेना है A minus B. Difference of set A and B is the set of all elements. ऐसे सभी elements का set which are in A but not in B. जो elements A set में हैं but B set में नहीं. देखो notation लिख देते हैं पहले. notation कैसा है? A minus B ऐसा भी हम लिख सकते हैं और A intersection B का. ऐसे सभी elements का set जो elements A set में हैं but B set में नहीं. देखो यहां से आपको मिल सकती है ए सेट में है, माइनस किया है ना, तो ए सेट में है इलेमेंट बट बी में नहीं है. एंड इज डिफाइंड एज बाय जी सेट बिल्डर मेथड एक्स सच दैट. ऐसे सभी एक्स होने चाहिए जो ए सेट में है और बी सेट में नहीं है. सो दिस इज आवर ए माइनस बी एंड दिस ए माइनस बी कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्पोनेंट. ठीक है, सिमिलरली देखो हम बी माइनस ए निकाल लेते हैं. बी माइनस ए क्या होगा? बी माइनस ए ऐसे सभी एक्स जो सेट बी में है लेकिन ए में नहीं. कलेक्शन ए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए. सो दिस इज बी माइनस ए एंड दिस कैन बी रिटन एज बी इंटरसेक्शन. यहाँ माइनस साइन है ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ठीक है, डायग्रामेटिकली कैसा होगा? हाँ देखो, this is our universal set, this is set,
ए दिस इज सेट बी, ठीक है। हम फर्स्ट निकालेंगे ए माइनस वन, देखो ये टोटल ए और ये जो पोर्शन है ये पोर्शन ए एंड बी के लिए कॉमन है, दैट्स व्हाई ए इंटरसेक्शन बी, ये जो पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी ये ए एंड बी के लिए कॉमन है। तो ए माइनस बी मीन्स ए है लेकिन बी का पोर्शन हमें नहीं चाहिए, लेकिन दिस ये जो पोर्शन है यहाँ भी बी है तो इसका मतलब ये जो पोर्शन है ये पोर्शन कौन है ए माइनस बी। देखो ए का पोर्शन है लेकिन बी का हमें नहीं चाहिए, मैम हमने ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये बी में इंक्लूड है। ओके सेकंड बी माइनस ए हमें निकालना है, देखो ये टोटल हुआ बी, बी माइनस ए मतलब बी का चाहिए पोर्शन ए का नहीं, अगर हम ये पोर्शन लेते हैं तो वो ए का इंक्लूड होगा, वो तो हमें नहीं चाहिए, तो ये रहा हमारा बी माइनस, ये कौन है बी माइनस। ओके तो यहाँ मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताना चाहती हूँ, ए माइनस बी कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड बी माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, पहले भी आपको बता दिया है। ओके सेकेंड ए माइनस बी इज दिस यूनियन, बी माइनस ए यूनियन ये अंदर का पार्ट कौन है ए इंटरसेक्शन बी, ये सब मिला के हमें कौन मिलेगा टोटल ए यूनियन बी। ओके नेक्स्ट इज ए माइनस बी, बी माइनस ए एंड ए इंटरसेक्शन बी, दीज सेट्स ये जो सेट्स है दीज सेट्स आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स मींस ना ये सेट ले लो ये सेट ले लो, ये दो सेट्स अगर इसका आप इंटरसेक्शन निकालते हो तो वो आपको एम्प्टी सेट देगा, डिसजॉइंट मींस कॉमन एलिमेंट्स नहीं। कैसे नाम देखो ये रहा ए माइनस बी ये रहा बी माइनस ए, दोनों में कुछ कनेक्शन है कॉमन एलिमेंट्स है नहीं, तो इसका मतलब ए माइनस बी एंड इंटरसेक्शन बी माइनस ए अगर आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा फाइव, ये दोनों ले लो आप, देखो ये रहा ए इंटरसेक्शन बी ये रहा बी माइनस ए, दोनों में कॉमन है कुछ नहीं, सो दैट्स व्हाई म्यूचुअली डिसजॉइंट, ठीक है। एंड लास्ट वन ए माइनस बी इज सबसेट ऑफ ए एंड बी माइनस ए इज अ सबसेट ऑफ बी, आप देख सकते हो ये है ए माइनस बी और ये टोटल कौन है ए, तो ए माइनस बी ए का क्या हुआ सबसेट, यहाँ देखो ये टोटल कौन है बी और ये शेडेड पोर्शन बी माइनस ए, तो बी माइनस ए भी बी का क्या है सबसेट। ओके सो चार ऑपरेशन हमने देखे हैं, नंबर फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, देन सेकेंड यूनियन ऑफ सेट्स, थर्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड फोर्थ वन इज अ डिफरेंस ऑफ सेट्स। ओके तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी लगा दीजिए ताकि अगर मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका